तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पांच एग्जामिनेशन का जो बेसिकली इवेल्युएशन टेस्ट निकाला गया है उसके बारे में। इसके अलावा हम एक और नोटिफिकेशन है जो HPSSC की तरफ से रिलीज़ किया गया, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कम से कम 6 नोटिफिकेशन इस वीडियो में रहेंगे। मैं जनरली क्या करता हूँ, एक ही वीडियो में सारे नोटिफिकेशन कवर करने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग वीडियो बना के आपका भी टाइम खराब होता है, तो ये नहीं चाहता हूँ कि इतने परिश्रम आप करते हो तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं HPSSC की तरफ से जो आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देख सकते हैं 16 जून 2021 का है, और अभी तक अगर आप वीडियो मेरे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा HPSSC के जितने भी नोटिफिकेशन है वो बेसिकली कौन जारी करता है, जितेंद्र कंवर, सेक्रेटरी टू HPSSC हमीरपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इवेल्युएशन निकाला गया है वो है बेसिकली ऑपरेटर पोस्ट कोड 784 का, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट था दैट वाज हेल्ड ऑन 15th ऑफ डिसंबर 2020, और अराउंड 52 कैंडिडेट्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इनके रिस्पेक्टिव रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशनड है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या यहाँ पे लेके जाना है। अगर आप EWS से हो तो EWS का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से हो, ठीक है, बोनाफाइड हिमाचली, या फिर आपका 10th और 12th HP बोर्ड से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मैं हर वीडियो में रिपीट करता रहता हूँ, तो फिर भी आप एक बार इन पे नज़र मार लीजिएगा। और चाहिए आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। लाइक मत करना तो चलेगा, बट शेयर कर देना ताकि कोई भी आपका फ्रेंड जो बेसिकली इवेल्युएशन टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं HPSSC हमीरपुर की तरफ से एक और प्रेस नोट जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निम्नलिखित सारणी के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में नियमों में वर्णित वांछित योग्यता के अनुसार 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस की डेट ऑफ इवेल्युएशन इकट्ठी भी दे रखी है। तो सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज, कंडक्टर 764, जूनियर स्केल्स, स्टेनोग्राफर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज, इसके अलावा मार्केटिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट वाले, JE मैकेनिकल, लेबर इंस्पेक्टर, इसके अलावा वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा TGT मेडिकल। तो ये इन सब का यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली डेट ऑफ इवेल्युएशन रिस्पेक्टिवली दे रखी है। और ये सारी नोटिफिकेशन जितेंद्र कंवर जी की तरफ से, सचिव होते हैं बेसिकली वो, सेक्रेटरी टू HPSSC हमीरपुर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज रिलेटेड टू, तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये है पोस्ट कोड 767 अकाउंट्स क्लर्क की, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें अराउंड 38 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं फर्दर आउट ऑफ 38 स्किल टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, 38 कैंडिडेट्स वियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आगे के फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क के अराउंड 38 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। आगे आप देख सकते हैं आगे इनका जो 15 मार्क का इवेल्युएशन प्रोसेस होगा दैट विल बी हेल्ड ऑन 6th ऑफ अगस्त 2021 इन द प्रीमाइसिस ऑफ हमीरपुर। मतलब कि आपका फिजिकली होगा, आपको ऑनलाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा। ये भी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सचिव हैं जो HPSSC के जितेंद्र कंवर जी, उनकी तरफ से जारी किया गया है। और आज की डेट है 17th ऑफ जून। तो याद रखना पोस्ट कोड 767 अकाउंट्स क्लर्क। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए जो पोस्ट कोड है दैट इज 783, सो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। जैसे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट रहता है JOA अकाउंट, वैसे ही सीनियर असिस्टेंट अकाउंट रहता है। पे स्केल वगैरह इनके अच्छे रहते हैं, डेट देख सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये एग्जामिनेशन हुआ था आपका 8th ऑफ डिसंबर 2021 को, ये इनके रिस्पेक्टिव रोल नंबर है। और वो सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं जो रहती हैं BCOM या फिर MCOM, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल, ORA, SC ST या EWS का जो भी आपका सर्टिफिकेट है। जितेंद्र कंवर जी की तरफ से ये भी नोटिफिकेशन HPSSC सेक्रेटरी टू HPSSC, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, तो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ JE इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो JE इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है सचिव HPSSC हमीरपुर की तरफ से, जिनका पोस्ट कोड 849 था। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर बोनाफाइड हिमाचल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग मैट्रिक एंड प्लस टू फ्रॉम एनी स्कूल सिचुएटेड इन टर्म इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका बेसिकली JE इलेक्ट्रिकल के लिए उनसे बोनाफाइड हिमाचली मांगा गया है, ठीक है।
तो अगर बोनाफाइड हिमाचली नहीं है तो एटलीस्ट 10th और 12th HP के किसी भी स्कूल से होना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया आप देख सकते हैं इनके नेम रिस्पेक्टिव दे रखे हैं और इनके रोल नंबर भी दे रखे हैं। तो 19 कैंडिडेट हैं जिनको अपना बेसिकली जो अपना बोनाफाइड हिमाचली या फिर 10th और 12th HP में किया गया है, तो इसका इससे रिलेटेड उनको सारी चीज़ें जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो sbssbhp@nic.in पर भेजनी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर इनको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। लास्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। सो इट इज़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट कंडक्टेड बाई HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलॉन्ग विद देयर इवेल्यूशन स्कीम। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन में इन्होंने किस तरह से इवेल्यूशन होगा फॉर टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को पर्टिकुलर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो एक बार अगर आपको टाइम लगे तो टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लेना @StreetStudy। अगर आप स्ट्रीट स्टडी सर्च करोगे तो सेम हमारा ऑफिशियल चैनल देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। ये वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो ये आप ध्यान से वहाँ पर एक बार चेकअप कर सकते हो। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सैम्पल पेपर भी दिया है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं टाइम 10 मिनट का रहता है और स्पीड रहती है 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 WPM का मतलब होता है 30 वर्ड्स पर मिनट। तो ये दोनों भाषाओं में दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी में। इसके अलावा जो शॉर्ट हैंड का रहता है उसका टाइम पीरियड 5 मिनट का रहता है। आप देख सकते हैं टाइम फॉर डिक्टेशन 5, टाइम फॉर रीडिंग 5 मिनट्स, टाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स, और यहाँ पे स्पीड होती है 80 वर्ड्स पर मिनट। और यहाँ की बात करूँ मैं तो वहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट थी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक सैम्पल पेपर भी दे रखा है कि किस तरह से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। तो ये मैं सारा नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इजीली ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इवेल्यूएशन कैसे होगा, तो वो भी आप यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ये इवेल्यूएशन करते हैं मार्क्स का आपके, ठीक है, किस तरह से आपकी टाइपिंग के ऊपर ये सारा इवेल्यूएशन किया जाता है। तो आप देखते हैं ये बेसिकल नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन HPSSC हमीरपुर की तरफ से ही जारी किया गया है। तो सारा इसमें एवेल्यूएशन वगैरह बताया हुआ है, तो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा आपका जितना जल्दी हो सके उसको रिजोल्व कर दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बहुत जल्दी।